लेक्चर टू फॉर न्यूक्लिक एसिड। कल के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक कंपोजिशन पढ़ा था और बेसिक कंपोजिशन में हम लोगों ने ये देखा था कि न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस की बात की थी और फॉस्फोरिक एसिड की बात की थी। तो हम लोगों ने पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया था। आज हम लोग शुरुआत करेंगे नाइट्रोजनस बेसिस के स्ट्रक्चर से। तो कल मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजनस बेसिस दो तरह के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडिन्स। ठीक है, प्यूरिन्स में हमारे दो कैटेगरी हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। प्यूरिन में हमारे पास दो हैं, पहला है एडेनिन। एडेनिन में आप देख सकते हैं डबल मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, दो रिंग इसमें आपको नजर आएंगे और अमीनो ग्रुप 6 कार्बन पे अटैच्ड है। ठीक है, इसीलिए इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा 6 अमीनो प्यूरिन। दूसरा हमारा जो नाइट्रोजनस बेस है प्यूरिन कैटेगरी का, वो है ग्वानिन। ग्वानिन में हमारा क्या है, 6 कार्बन पे ऑक्सीजन ग्रुप है और अमीनो शिफ्ट कर गया है सेकेंड कार्बन पे, इसलिए इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। क्लियर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं तो अमीनो में ए है और ऑक्सी में ओ है, तो ए पहले आता है इसलिए 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। तो ये दो हमारे प्यूरिन हो गए। पाइरिमिडिन में आएंगे तो तीन थे हमारे पास, यूरेसिल, थायमिन, साइटोसिन। तो पहले हम यूरेसिल के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे क्योंकि इसी के बेसिस पे बाकी स्ट्रक्चर डिराइव होते हैं। तो यूरेसिल में आप देखेंगे, यूरेसिल में हमारा ये जो पिरिमिडिन रिंग है इसमें फोर्थ कार्बन और सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो यूपीएससी नाम हो जाएगा, वो जाएगा 2,4-dioxypyrimidine। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, जो फिफ्थ कार्बन पे हाइड्रोजन दिख रहा है, ठीक है, इस हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर देंगे मेथिल ग्रुप से। ठीक है, तो जब मेथिल ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा थायमिन में। तो अब इसका जो यूपीएससी नाम है वो क्या जाएगा, 5-methyl-2,4-dioxypyrimidine। यानी क्या चेंज मिला, यूरेसिल से अगर हम थायमिन बना रहे हैं तो सिर्फ फिफ्थ कार्बन पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना है किससे, मेथिल ग्रुप से। क्लियर, थर्ड हमारा जो है वो है साइटोसिन। साइटोसिन में हम क्या करते हैं, यूरेसिल का जो फोर्थ कार्बन का ऑक्सीजन है उसको रिप्लेस कर देते हैं अमीनो ग्रुप से। क्लियर, बाकी स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा। तो जब आप यहाँ पे अमीनो ग्रुप को रिप्लेस करेंगे तो आपका नाम भी चेंज हो जाएगा इसका, इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा 4-amino-2-oxypyrimidine। तो ये हमारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो आप देख सकते हैं। ठीक है, और कल मैंने आपको बताया भी था फर्स्ट लेक्चर में कि एडेनिन और गुआनिन ये जो प्यूरिन्स हैं ये आरएनए और डीएनए दोनों में पाए जाते हैं, सिर्फ चेंजेस किस में आते हैं, पिरिमिडिन्स में। तो डीएनए के केस में कौन होता है, थायमिन और साइटोसिन होता है, जबकि आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल और थायमिन होता है। ओके, थर्ड कंपोनेंट हमारा जो था न्यूक्लियोटाइड्स में वो था फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का जनरल फॉर्मूला आप जानते हैं H3PO4, और इसका जो स्ट्रक्चर है ये इस तरह से है। ठीक है, इसमें तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको मिल रहे हैं जो कि आयनाइज हो सकते हैं, और आयनाइजेशन होगा तो स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी हर एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आपको दिखेगा। तो फॉस्फेट का रोल क्या है न्यूक्लिक एसिड में, फॉस्फेट का रोल ये है कि नेगेटिव चार्ज है और ये डीएनए को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है। ठीक है, आरएनए को नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड पे जो नेगेटिव चार्ज होता है वो बेसिकली फॉस्फेट की वजह से होता है। प्लस इसके अलावा जो फॉस्फेट है यही हमारा एसिडिक नेचर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी जो फॉस्फोरिक एसिड है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। क्लियर, तो न्यूक्लिक एसिड के एसिडिक नेचर के लिए हमारा ये फॉस्फेट जिम्मेदार होता है। तो अभी हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि कैसे ये न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट होते हैं और उसमें कैसे इसका रोल प्ले होता है। ओके, जो तीन कंपोनेंट आपने देखे न्यूक्लिक एसिड के, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड, तो इनका आपस में कैसे एसोसिएशन होता है, इस एसोसिएशन को हम लोग इस स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ एक पेंटोज शुगर बनाया हुआ है, ठीक है, जो कि रिबोज शुगर है। यहाँ मैंने एक नाइट्रोजनस बेस बनाया हुआ है, मैंने एग्जाम्पल में यूरेसिल लिया हुआ है, और इधर मैंने आपका फॉस्फोरिक एसिड बनाया। क्लियर, तो इन सबके बीच एसोसिएशन को समझने के लिए आप एम ऐसे समझ सकते हैं कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और यहाँ ये प्रोटॉन है। ठीक है, अगर इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हम नीचे की तरफ देखें तो उनके बीच एसोसिएशन दिखाना आसान हो जाता है। ठीक है, तो जो रिएक्शन होगा यूरेसिल का, इसका पहले नाइट्रोजन का हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट होगा फर्स्ट कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। पेंटोज शुगर का जो पहला कार्बन है, ठीक है, फर्स्ट कार्बन, इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड कार्बन है,
थर्ड कार्बन है फोर्थ एंड दिस वन इज फिफ्थ, क्लियर। तो ये रिएक्शन होगा, जब इसके बीच रिएक्शन होगा तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, हमारा जो कार्बन है कार्बन बॉन्ड बना लेगा नाइट्रोजन के साथ जो कि पाइरिडीन का है, तो इस बॉन्ड को हम लोग नाम देंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। मैंने कल भी बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि जैसे ही कोई नाइट्रोजन बेस पेंटोस शुगर से जुड़ता है तो जो बॉन्ड बनता है वो हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो चूंकि ये बॉन्ड एन नाइट्रोजन एटम के साथ है इसीलिए कुछ जगहों पे इसको हम लोग इस तरह से भी इंडिकेट करते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। उसी तरीके से फॉस्फेट का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और जो फिफ्थ कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, तो इनके रिएक्शन से जो बॉन्ड बनेगा आप देख सकते हैं कुछ ऐसा होगा, ये हमारा कार्बन हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो बॉन्ड बन रहा है पूरा फॉस्फेट का फॉस्फोरस लिए हुए, तो इस बॉन्ड को हम लोग नाम क्या देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, ठीक है, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। और इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, क्लियर। तो एक न्यूक्लियोटाइड के फॉर्मेशन में जो हमारे तीनों कंपोनेंट है नाइट्रोजन बेस पेंटोस शुगर और फॉस्फेट, इनका इस तरह से एसोसिएशन होगा और डिफरेंट टाइप्स के जो बॉन्ड बन रहे हैं यानी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तब जाकर के हमारा एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। हम इस स्ट्रक्चर को एक सिंपल फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, देखिए न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को अगर सिंपल तरीके से समझा जाए सिंबॉलिक रूप में तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो न्यूक्लियोटाइड बनाए हैं, एक ये न्यूक्लियोटाइड है और ये हमारा दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। तो ये शुगर को मैंने एस से दिखाया एक रिंग से, ये हमारा नाइट्रोजन बेस रहा यूरासिल और ये हमारा जो फॉस्फेट अटैच होता है, ठीक है। तो आप स्ट्रक्चर में देखेंगे कि थर्ड कार्बन पे शुगर के हमेशा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका फ्री फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, और फिफ्थ कार्बन पे हमारा कौन अटैच होता है, फॉस्फेट, क्लियर। तो इस तरह से जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में रिएक्ट होंगी तो उनका पॉलीमराइजेशन होगा और पॉलीमराइजेशन के लिए आप देख सकते हैं ये दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्लियर, यानी पहले न्यूक्लियोटाइड का जो शुगर का थर्ड कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो दिख रहा है और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे इनके बीच भी बॉन्ड बनेगा, तो बॉन्ड हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, शुगर ऑक्सीजन फॉस्फेट ऑक्सीजन अगेन शुगर, क्लियर, और ये हो गया हमारा। तो आप देख सकते हैं ये जो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, इसमें दो फॉस्फोइस्टर हैं, अगर इधर का साइड कवर करें तो एक ईस्टर बॉन्ड आपको इधर नजर आ रहा है और अगर इसको कवर करते हैं तो एक ईस्टर बॉन्ड इधर नजर आ रहा है, यानी दो ईस्टर बॉन्ड है जिसमें फॉस्फेट हमारा कॉमन है, तो इसीलिए इस बॉन्ड को हम लोग नाम क्या देंगे, फॉस्फो डाई ईस्टर, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो जब भी न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज होती हैं तो उन न्यूक्लियोटाइड्स के बीच हमारा कौन सा बॉन्ड बनेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और इस तरीके से पॉलीमराइजेशन होता है। इसीलिए अगर सवाल पूछा जाता है कि न्यूक्लिक एसिड्स में कौन से बॉन्ड होते हैं तो न्यूक्लिक एसिड तो हमारा पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का, तो इसलिए हमेशा न्यूक्लिक एसिड में कौन सा बॉन्ड होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब कल मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे पार्ट वन में, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। तो देखो न्यूक्लियोसाइड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब सिर्फ नाइट्रोजन बेस हमारा अटैच होता है पेंटोस शुगर से, यानी अगर फॉस्फेट नहीं लगा है सिर्फ शुगर और नाइट्रोजन बेस आपस में जुड़ते हैं तो ये जो कंपोनेंट होगा ये हमारा न्यूक्लियोसाइड होगा, ओके। और जब इसी न्यूक्लियोसाइड में हम फॉस्फेट ऐड कर देते हैं यानी तीनों चीजें आ गई हमारी, नाइट्रोजन बेस हो गया, पेंटोस शुगर हो गया, फॉस्फेट हो गया, तब जाकर के हमारा एक पूरा न्यूक्लियोटाइड तैयार होता है, क्लियर। और यही न्यूक्लियोटाइड फिर पॉलीमराइज होंगे तो न्यूक्लिक एसिड बनेगा। जो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमराइजेशन होगा, अगर कई न्यूक्लियोटाइड्स को हम पॉलीमराइज करते चले तो कुछ इस तरह से सिंपल वे में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं शुगर यूरेसिल फॉस्फेट, फिर ये अटैच हो रहा है दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, फिर वो तीसरे से अटैच हो रहा है, तो इस तरह से पूरी चेन बन रही है ऐसे ही, ठीक है। कई मेनी नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो आपस में अटैच होंगे और पॉलीमराइज होते चले जाएंगे तो एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी, ठीक है। इस पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन में
आपके दो टर्मिनल होंगे, एक 5 डैश टर्मिनल जो आपको दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं 5 डैश एंड या 5 प्राइम एंड भी बोलते हैं। दूसरा हमारा 3 डैश एंड होगा जिसको हम 3 प्राइम एंड बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 3 डैश का मतलब ये रहा कि शुगर के थर्ड कार्बन पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, ठीक है। तो 3 डैश एंड हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन थर्ड कार्बन, थर्ड कार्बन, ठीक है। उसी तरीके से 5 प्राइम एंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्री फॉस्फेट ऑन 5 कार्बन, ओके। तो 5 प्राइम एंड हमारा फॉस्फेट को रिप्रेजेंट कर रहा है फिफ्थ कार्बन पे, जो कि फ्री है पॉलीमराइजेशन करने के लिए, और इधर हमारा 3 प्राइम पे हो रहा है, ठीक है। तो पूरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर है और सीरीज वाइज, और इसमें जो बेसेस हमारे वो हैंगिंग पोजीशन में है, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो ये हमारा पूरा ये सीरीज बन रहा है जिसमें हमारा नेबल बेस जो है वो हैंगिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो हमारा जो बैकबोन तैयार हो रहा है न्यूक्लिक एसिड का, वो बेसिकली उसमें सिर्फ शुगर और फॉस्फेट है, आप देख सकते हैं शुगर फॉस्फेट फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर ऐसे चल रहा है, ठीक। तो ये हमारा हो रहा है बैकबोन, बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और ये बैकबोन बना हुआ है किसका, शुगर प्लस फॉस्फेट, शुगर और फॉस्फेट का बना हुआ बैकबोन आपको नजर आएगा, ठीक है। और बेसिस हमारे हैंगिंग पोजीशन में है, इसी को हम लोग सिंपल वे में बुक्स में जो डायग्राम देखते हैं वो बिल्कुल इस तरह से सीरीज लीनियर डायग्राम में होता है, आपका 5 प्राइम एंड होगा, 3 प्राइम एंड होगा, और इस तरह की चीजें आपकी, ठीक है, जो नेचुरल बेसिस है वो हैंगिंग फॉर्म में रहेंगे, क्लियर। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट्स का, कैसे वो आपस में एसोसिएट हो रहे हैं, कैसे हमारा न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड फॉर्म हो रहा है, और कैसे न्यूक्लियोटाइड फिर पॉलीमराइज हो रहा है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा, ओके। तो आपने सारी चीजें पढ़ी और आपने ये भी देखा कि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड में बैकबोन है वो शुगर और फॉस्फेट का बना हुआ था, और नाइट्रोजन बेसिस हैंगिंग पोजीशन है, ठीक है। तो जो बेसिक हमारे पास दो अमीनो एसिड होते हैं, सॉरी दो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक हमारा डीएनए है और दूसरा आरएनए, ठीक है। तो ये न्यूक्लिक एसिड में जो बेसिक डिफरेंस आपको मिला वो क्या मिला, डीएनए के केस में मैंने बताया था, ठीक है, डीएनए के केस में जो शुगर होगा पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर वो हमारा क्या होगा, डी ऑक्सी राइबोस, ओके, डी ऑक्सी राइबोस शुगर होगा, जबकि आरएनए में यहां पे क्या होगा, राइबोस शुगर, क्लियर। जो मेन डिफरेंस है, सबसे प्राइमरी डिफरेंस जो डीएनए आरएनए में है वो हमारा शुगर का ही है, पेंटोज शुगर जो है डीएनए में डीऑक्सी रिबोज होगा जबकि आरएनए में रिबोज शुगर होगा, ठीक है। दूसरा डिफरेंस हमें क्या मिला, पाइरिमिडिन्स का, अगर पाइरिमिडिन्स की बात करें तो डीएनए में जो पाइरिमिडिन्स थे हमारे वो क्या होते हैं, साइटोसिन और प्लस थायमिन, जबकि आरएनए में क्या होता है, साइटोसिन प्लस यूरेसिल, यानी थायमिन की जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डीएनए आरएनए की लोकेशन की बात करें तो अगर एक सेल में देखा जाए तो डीएनए और आरएनए न्यूक्लियस के अंदर भी होता है, साइटोप्लाज्म में भी होता है, दोनों जगह पे होते हैं, लेकिन डोमिनेंसी की बात की जाए तो डीएनए हमारा सबसे ज्यादा अमाउंट में होगा न्यूक्लियस में, है ना। तो डीएनए का जो अकरेंस है, अकरेंस मोस्टली इन न्यूक्लियस, एंड इसके अलावा आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया प्लस क्लोरोप्लास्ट, अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट में भी आपको डीएनए मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्रोमोसोम्स हमारे कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में, तो इसलिए क्रोमोसोम चूंकि डीएनए के बने होते हैं तो ज्यादातर डीएनए हमारा न्यूक्लियस में होगा, लेकिन इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना खुद का जीनोम होता है जो कि डीएनए का बना होता है, ठीक है। वही आरएनए की बात करें तो आरएनए का सबसे ज्यादा अमाउंट साइटोप्लाज्म में मिलेगा आपको, साइटोप्लाज्म हैज अबंडेंस ऑफ आरएनए, ठीक है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि डीएनए सबसे ज्यादा न्यूक्लियस में होगा, साइटोप्लाज्म इसका अमाउंट कम होगा,
जबकि आरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा होता है और न्यूक्लियस में इसका अमाउंट काफी कम होता है, ठीक है। तो ये हमारा इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस हुआ। अब आइए डिस्कस करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर को, डीएनए का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग डिफाइन करते हैं। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कवर किया था वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ठीक है, ये दो बड़े साइंटिस्ट हैं, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, जिन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को खोजा था, ठीक है। और जो मॉडल इन्होंने प्रपोज किया था डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए, वो मॉडल हमारा क्या है, उस मॉडल को हम बोलते हैं डबल हेलिकल मॉडल, ठीक है। इन्होंने जो मॉडल प्रपोज किया वो था डबल हेलिकल मॉडल, लेकिन ये वॉटसन और क्रिक ने सिर्फ डीएनए के स्ट्रक्चर को एक हाइपोथेटिकल फॉर्म में समझाया था कि डीएनए हमारा डबल हेलिकल हो सकता है, ठीक है, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया था। एक्सपेरिमेंटली प्रूव इसको किया था दूसरे साइंटिस्टों ने, जिन्होंने जिनका नाम है विल्किंस एंड रोजालिन फ्रैंकलिन, ठीक है। तो विल्किंस और रोजालिन फ्रैंकलिन ने डीएनए के इस डबल हेलिकल मॉडल को प्रूफ किया एक्सपेरिमेंटली बाय यूजिंग प्रूफ्ड डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए बाय एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक, ठीक है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक से जो वॉटसन एंड क्रिक का हाइपोथेसिस था उसको इन्होंने प्रूव किया और इस बात को बताया कि वाकई में जो हमारा डीएनए होता है वो डबल हेलिकल मॉडल में मौजूद होता है, ठीक है। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी है, आज भी इसका इस्तेमाल होता है और कभी भी मॉलिकुलर स्ट्रक्चर को डिस्कवर करने के लिए हम लोग आज भी एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का ही इस्तेमाल करते हैं, क्लियर। तो इसमें करते क्या है, इसमें हम सबसे पहले जिस मॉलिक्यूल का, चाहे वो प्रोटीन हो या न्यूक्लिक एसिड हो या उनका एसोसिएशन हो, अगर उसका स्ट्रक्चर हमें डिस्कवर करना है तो डिस्कवर करने के लिए हम सबसे पहले उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं और क्रिस्टलाइन करने के बाद उसके ऊपर एक्सरे का बम्बार्डमेंट करते हैं। और एक्सरे का जब बम्बार्डमेंट होगा तो उस बम्बार्डमेंट से जो एक्सरेज में डिफ्लेक्शन होता है अलग अलग एंगल पे, उस एंगल को कैलकुलेट करके हम उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, क्लियर। तो इसी सिंपल सी टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ओके। देखिए डीएनए जो है, मैंने क्या बताया कि डीएनए हमारा डबल हेलिकल मॉडल पे है, तो डीएनए में हमारे दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक और ये दो, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड्स का जो पोलैरिटी है वो डिफरेंस होता है, यानी अगर एक स्ट्रैंड हमारा 5' to 3' है तो दूसरा हमारा क्या होगा, 3' to 5', ठीक है। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, और आप जानते हैं जब दो पैरेलल लाइन के बीच, ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट है और डायरेक्शन अपोजिट है, क्योंकि एक 5 to 3 जा रहा है, दूसरा 3 to 5 जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए दोनों स्ट्रैंड का जो पैटर्न रहा वो क्या रहा, बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड्स हमारे क्या है डीएनए में, एंटी पैरेलल, यानी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन इधर हो गई, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की इधर हो गई, तो दो चेन यानी दो स्ट्रैंड्स दोनों मिलकर के हमारा डीएनए बना रहा है, ठीक है। इनके बीच जो नाइट्रोजन बेसिस है उनके बीच एसोसिएशन हो रहा है, और नाइट्रोजन बेसिस के बीच जो एसोसिएशन होता है वो एक्चुअल में होता है बाई हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। बॉन्डिंग का ऑर्डर जो है वो फिक्स है एडेनिन थायमिन से, यानी ए टी से जब भी जुड़ेगा तो आप देख सकते हैं दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, जबकि जी और सी यानी ग्वानिन और साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड है, 3, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ठीक है, और जबकि ए और टी के बीच हमारे कितने हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्लियर। तो इसीलिए इस रूल को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रूल, क्योंकि आप देख सकते हैं हमेशा टी ए से ही जुड़ेगा जहां पे भी होगा, ठीक है, और जी सी से जुड़ेगा क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और इसलिए हमारे जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं एंटी पैरेलल ही इनको बोल रहे हैं, ये भी आपस में क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी बोथ
strands are also complementary. Clear? अब इसी डीएनए का जो सीधा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, अगर इसको हम रोटेट कराएं, ट्विस्ट कराएं, तो ये हेलिकल फॉर्म में आएगा, कुछ ऐसा आपको नजर आएगा, ठीक है? हेलिक्स मतलब स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर या लेटर लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो ये हमारा जो है रोटेट करने पे आपको स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, ठीक है? तो इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं एक खास पैटर्न होता है। पैटर्न क्या है? जो जो ट्विस्ट पॉइंट आपको नजर आ रहा है ना, हर ट्विस्ट पॉइंट पे आपको एक पैटर्न नजर आएगा। देखिए यहाँ पे जो डायमीटर है, ठीक है, ग्रुप का, वो कम है, जबकि अपोजिट वाला सेम डिस्टेंस पे जो डायमीटर है वो ज्यादा है, ठीक। अब यही चीज अल्टरनेटिवली रिपीट होगी, आप देख सकते हैं अगले वाले पे, इस साइड का यानी राइट हैंड साइड का डिस्टेंस ज्यादा हो गया, लेफ्ट हैंड साइड का कम हो गया, फिर ये चीज रिवर्स हो जाएगी। क्लियर? तो जो कम एंगल का पॉइंट बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं माइनर ग्रूव, माइनर ग्रूव, और जो ज्यादा बन रहा है इसको बोलते हैं मेजर ग्रूव, मेजर ग्रूव, ठीक है? तो पैटर्न क्या रहा कि हर एक ट्विस्ट पॉइंट पे मेजर और माइनर ग्रूव जो है वो रिवर्स होते जाएंगे। क्लियर? लेफ्ट एंड राइट इनमें रिवर्स ऑर्डर आपको मिलेगा, प्लस किसी भी एक, ठीक है, पॉइंट से आप लीजिए, जैसे मान लीजिए यहां से एक उभार और एक गड्ढा, यानी एक रिजेस और एक फरो, तो एक रिज से दूसरे रिज का जो डिस्टेंस होगा, या फिर एक फरो से दूसरे फरो का जो डिस्टेंस होगा, इधर से इधर भी ले सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा क्या बनाते हैं, वन हेलिक्स, ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं वन ट्विस्ट, ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं वन पिच। क्लियर? मतलब ये रहा कि डीएनए का वो लेंथ, चाहे इतना लेंथ इधर कर ले या फिर ये वाला लेंथ ले लें, ठीक है, डीएनए का वो लेंथ जिसको आपस में अगर लूज करके हम लोग कॉन्टेक्ट कराएं तो ये दोनों एंड जब मिलेंगे तो एक कंप्लीट सर्किल बनेगा डीएनए का। ओके? तो उस लेंथ को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक कंप्लीट हेलिक्स या फिर एक ट्विस्ट या फिर एक पिच, ठीक है? और उस लेंथ का जो यूनिट है, ठीक है, बेसिकली यूनिट वाइज चलेंगे तो एक हेलिक्स हमारा 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट लेंथ के बराबर होता है। कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? बेसिस के बीच का डिस्टेंस भी कांस्टेंट होता है, बेसिस के बीच का अगर डिस्टेंस चले बेस पेयर के बीच का, तो ये हमारा 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। क्लियर? और जो नॉर्मल डीएनए है, नॉर्मल डीएनए का जो डायमीटर होगा, डायमीटर भी हमारा कांस्टेंट होता है, दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो डायमीटर हो गया 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट, एक हेलिक्स या एक पिच की लंबाई हो गई 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट, और बेसिस के बीच का जो डिस्टेंस हुआ वो 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट हुआ। क्लियर? तो ये ओवरऑल एक मॉडल हो गया आपका डीएनए के डबल हेलिक्स का, और ये मॉडल जनरल सेलुलर डीएनए को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? और जो जनरल सेलुलर डीएनए होता है उस सेलुलर डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलर डीएनए इज कॉल्ड एज बी डीएनए, ठीक है? डीएनए एक डायनेमिक मॉलिक्यूल होता है, डीएनए एक डायनेमिक मॉलिक्यूल है, इसलिए इसके कंफर्मेशन चेंज होते रहते हैं इसके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो अगर एनवायरमेंट में मॉइस्चर और सॉल्ट, सॉल्ट कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है, मॉइस्चर घट रहा है, तो ये कंफर्मेशन चेंज हो सकता है, क्योंकि इसकी ट्विस्टिंग बढ़ती जाती है। ओके? तो इसलिए जो नॉर्मल सेलुलर कंडीशन है उसमें जो मॉइस्चर है यानी 96.5 रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ठीक है? तो उस रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे जो हमारा नॉर्मल डीएनए स्ट्रक्चर दिखता है वो एक्चुअल में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीडीएनए, बीडीएनए यानी जनरल सेलुलर डीएनए। ओके? देखिए एक जो हेलिक्स है, इस हेलिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स को इस तरीके से मान लें, ठीक है, कि ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है ए, तो जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा, दूसरा न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइजेशन के दौरान, सपोज करिए जी अटैच हुआ, तो इनके बीच जो एंगल बनेगा थीटा वो होगा 36 डिग्री। ओके? तो हर एक बेस एक दूसरे से 36 डिग्री पे अटैच होती है, तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and the last one is 10. Okay? तो
एक पूरा साइकिल बन रहा है 10 बेसिस का मिलकर के, यानी 10 न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच हुए तो एक कंप्लीट सर्किल हो गया 36 के अकॉर्डिंग, यानी 10 into 36 डिग्री सेंटीग्रेड अगर किया जाए तो कितना होगा 360 डिग्री, और आप जानते हैं 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, सर्किल, ठीक है। तो पूरा एक सर्किल आपका कंप्लीट तैयार हो जाता है। तो ये जो डीएनए का में न्यूक्लियोटाइड्स का अरेंजमेंट है कि हर एक न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से 36 डिग्री के एंगल पे अटैच हो रहे हैं, इस वजह से जो ट्विस्टिंग है डीएनए की वो हमें दिखाई देती है, क्लियर। और ये एंगल चेंज हो सकता है जैसा कि मैंने बताया एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर एनवायरमेंट में सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो एंगल चेंज भी हो जाएगा, क्लियर। दूसरी खास बात क्या है कि जो मैंने बताया कि टी हमेशा ए से दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसी तरीके से जी हमेशा सी से तीन हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे तीन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहां दो, यानी ये एसोसिएशन ज्यादा स्ट्रांग है ना। इसीलिए अगर किसी डीएनए में जीसी का परसेंटेज ज्यादा होगा तो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है। यहां मेल्टिंग टेम्परेचर का मतलब ये नहीं कि डीएनए पिघल जाएगा, यहां मेल्टिंग टेम्परेचर का मतलब ये हुआ कि डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स हैं वो किस टेम्परेचर पे एक दूसरे से सेपरेट हो जा रहा है और हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जा रहा है, ठीक है। तो जो मेल्टिंग टेम्परेचर है उस डीएनए का ज्यादा होगा जिसमें जीसी परसेंटेज हाई होगा, ठीक है, और जिसमें टीए का परसेंटेज हाई होगा उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कम होगा, क्लियर। दूसरी खास बात आप इनको देख सकते हैं, हर एक पेयर में एक हमारा प्यूरिन है, हर एक पेयर में एक हमारा प्यूरिन है और दूसरा हमारा क्या है, पाइरिमिडिन। सेम वही चीज आपको यहां पे भी नजर आएगा, एक प्यूरिन है और एक पाइरिमिडिन, क्लियर। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डीएनए में जो बेसेस आपस में एसोसिएट हो रहे हैं उस एसोसिएशन में हमारा जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट बन रहा है कि प्यूरिन हमेशा किससे अटैच हो रहा है, पाइरिमिडिन से। तो इसीलिए प्यूरिन आप जानते हैं कि प्यूरिन हमारा डबल रिंग स्ट्रक्चर है और पाइरिमिडिन हमारा सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। तो ओवरऑल तीन रिंग का गैप बनता है दोनों स्ट्रैंड्स में, तो इसीलिए स्ट्रैंड्स का जो डायमीटर है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर जगह प्यूरिन पाइरिमिडिन होगा और तीन रिंग का गैप होगा, इस वजह से जो डायमीटर हमारा है पूरे डीएनए का वो आपको कांस्टेंट मिलेगा। बात समझ आ रही है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि इसके बेसिस पर हम लोग चार गैप रूल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल हमने पढ़ा, ठीक है, कि डीएनए में दो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होंगे, वो एक एक्सिस के अराउंड दोनों रोटेट होंगे तो पूरा हेलिक्स बनेगा, ठीक है, और उसमें जो बेसिस की पेयरिंग थी वो कॉम्प्लीमेंट्री थी, यानी प्यूरिन हमेशा पाइरिमिडिन से ही अटैच होगा और उसमें भी फिक्स था कि ए टी से अटैच होगा और जी हमेशा सी से अटैच होगा, ओके। तो उस पूरे इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक साइंटिस्ट थे अरविंद चारग्राफ, इन्होंने एक रूल दिया, मैथमेटिकल रिलेशन दिया, चारग्राफ रूल फॉर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, मतलब ये सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है, एप्लीकेबल होता है, कभी भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है, क्लियर, ये सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पे ही लागू होता है। तो इसमें रूल में क्या कहा गया, पहला रूल इसमें ये कहा गया कि किसी भी डीएनए सैंपल में जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ प्यूरिन, प्यूरिन का जो अमाउंट होगा यानी ए प्लस जी, ये हमारे प्यूरिन है, ये हमेशा इक्वल होंगे किसके, अमाउंट ऑफ पाइरिमिडिन के, यानी सी प्लस टी के, यानी किसी भी डीएनए सैंपल में जो कि डबल स्ट्रैंडेड होगा उसमें प्यूरिन हमेशा पाइरिमिडिन के अमाउंट के बराबर होगा, ये पहला रूल था। दूसरा रूल इन्होंने ये कहा कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे कि ए का अमाउंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ ए यानी एडनिन विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ टी, यानी किसी भी डीएनए सैंपल में जितना एडनिन होगा उतना ही थायमिन होगा, एंड अमाउंट ऑफ जी विल बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ सी, ठीक है, तो जितना जी होगा उतना सी होगा, मतलब ये कह सकते हैं अगर किसी डीएनए सैंपल में आपका एडनिन 40% है तो यानी कि थायमिन भी 40% होगा, तो 40% एडनिन 40% थायमिन, तो 40 प्लस 40 हो गया 80, रिमेनिंग बचा 20, 100 में से आप 80 को माइनस करोगे 20 बचेगा, यानी 20% में हमारे जी और सी होंगे, ठीक है, तो 20% में अगर जी और सी होंगे तो इनका अपना रेशियो क्या होगा, 10% एंड 10%,
ठीक है। अगर दूसरा डेटा ले, सपोज करिए कि किसी डीएनए सैंपल में एडनिन का अमाउंट 10% है, ठीक है, तो अगर एडनिन 10% है तो थायमिन भी 10% होगा, यानी 10 + 10 = 20%, रिमेनिंग बचा 80%, तो 80% में हमारा जी और सी है, यानी ये 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप नॉर्मल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा रूल इन्होंने क्या कहा, तीसरा रूल इन्होंने ये कहा कि अमाउंट जो है, अमाउंट ऑफ ए प्लस टी विल नॉट इक्वल टू अमाउंट ऑफ जी प्लस सी, यानी एडनिन और थायमिन का जो टोटल अमाउंट होगा वो कभी भी जी प्लस सी के बराबर नहीं होगा, यानी ग्वानिन और साइटोसिन के बराबर नहीं होगा। इसी रूल को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए प्लस टी डिवाइडेड बाई जी प्लस सी विल नॉट इक्वल टू वन, ये कभी भी वन के बराबर नहीं होगा, क्योंकि दोनों की जो अमाउंट है वो वेरी करती है, एक जैसी नहीं होती है, इसलिए हम इसको ठीक है इक्वल टू वन नहीं मान सकते। अलग अलग जो डीएनए सैंपल्स हैं, स्पीसीज वाइज जो डीएनए सैंपल्स हैं, ठीक है, उनमें जीसी का रेशियो बदलता रहता है, ठीक है, यानी कि ए और टी का जो रेशियो आएगा, ए प्लस टी और जी प्लस सी का ये जो रेशियो आएगा, ये स्पीसीज वाइज कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, दिस इज कॉन्स्टेंट फॉर स्पीसीज, एक स्पीसीज के लिए ये अमाउंट जो है वो कॉन्स्टेंट होता है। ओके, तो हम लोगों ने पार्ट टू में कवर कर लिया पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर, और उसके पहले हम लोगों ने क्या देखा कि न्यूक्लियोटाइड्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कैसे वो पॉलीमराइज हो रही है, ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आरएनए के स्ट्रक्चर्स पे डिस्कशन करेंगे, उसकी वैरायटी पे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलें, थैंक यू।